यहाँ पर इस तरीके से जो है वो मेंशन करा हुआ है, कोरोला 2.0 XLI 2018 है। और कौन सा है ये? 2008 का कोरोला। हाँ है। कितने का पड़ेगा? अभी हम लोग काम करवाने आए थे बुशेस का। जब भी ऐसी होता है काम करवाया जाए कुछ भी। हेलो वेलकम बैक, स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम ओमान से। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये पता ही है कि आप जो है ओमान में आए या आप अरब कंट्री जिसको हम GCC कहते हैं उसके अंदर आप जाते हैं तो स्पेशली जो है कार के हवालों से यहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी चीप होती है एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़। यहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी चीप होती है। तो आज हम लोगों ने प्लान करा है कि एक कम्प्लीट वीडियो बनाएँ जिसके अंदर जो है हम लोग बात करें, अगर आप ओमान में आते हैं या एटलीस्ट जो है आप नॉलेज हो जाएगी इस वीडियो से कि अगर जो है आप न्यू कार लेते हैं तो उसकी क्या प्राइस है, और अगर आप यूज़ कार के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको कितने रेंज के अंदर इकोनॉमी बजट के अंदर कितने की मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे अगर आपकी कार यहाँ पर रिपेयर करवाते हैं या कोई कार में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये कॉमन आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर GCC में या अरब कंट्रीज़ के अंदर लोगों की चीज़ ज़्यादातर जो ख़राब हो जाती है तो उसको लोग जो है रिपेयर करवाने से ज़्यादा जो है प्रीफर करते हैं कि उसको रिप्लेस कर लें न्यू वन के साथ। तो अगर इन केस आपकी यहाँ पर कार ख़राब हो जाती है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है और रिपेयरिंग के चार्जेस कितने होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है वतैया, और ये रोड जो है पूरा काफ़ी फेमस है ओमान में स्पेशली शोरूम के हवाले से। ये सारा एरिया जो कहलाता है वो वतैया का एरिया कहलाता है। इसके दोनों साइड पे रोड के दोनों साइड के ऊपर जो है वो शोरूम ज़्यादातर जो है वो शोरूम्स हैं। तो ये पूरा एक रोड काफ़ी बिजी रोड है, यहाँ पर स्पेशली आपको शोरूम तो मिल ही जाएंगे। अगर आप यूज़ कार में इंटरेस्टेड हैं तो यूज़ कार से रिलेटेड भी आपको जो है काफ़ी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि यूज़ कार जो है कंपनी भी इटसेल्फ कुछ ऑफर करती है तो इन लोगों के पास भी मौजूद होता है। कुछ जो है यहाँ पर शोरूम मौजूद हैं जो यूज़ कार में डील करते हैं। तो इस तरीके से इस रोड में स्पेशली जब आप इधर आएंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कार के हवाले से। तो यहाँ पर आके आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी वैरायटीज ऑफ द कार मौजूद होंगी। अभी हम लोग पहुँचे हैं टोयोटा शोरूम के ऊपर, तो यहाँ पर चल के हम लोग पता करते हैं कि न्यू कार के प्राइस जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं अभी हम लोग इनसाइड शोरूम। अस्सलाम वालेकुम। मेंटेनेंस सेंटर्स क्या है इसका? नहीं, इसमें अभी 21 मॉडल में 20,000 का मेंटेनेंस आएगा। अच्छा, 20,000 है? नहीं, इसका आएगा आपको 7650। 20 मॉडल का आएगा 7450। और यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन हमें न्यू कार के जो नॉर्मल कार फैमिली के लिए जो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, यारिस जो है स्टार्टिंग कार है यहाँ पर और उसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 5,600 से। और अगर आप XLI वगैरह की तरफ जाते हैं और XLI जो है 2021 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अराउंड जो है वो 7,500 या फिर आपका प्लान है फोर व्हील के अंदर जो स्टार्ट होती है RAV4 से, उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है 13,000 से जो है वो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है। जिस तरीके से उसके अंदर ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं तो ऑप्शन वाइज उसकी प्राइसेस जो है वो भी हाई होते चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है अगर आप न्यू कार लेने जाते हैं तो आपका बजट होना चाहिए एटलीस्ट जो है 5,000 से मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है, और फिर अप टू जो है वो डिपेंड ऑन योर कि आप कौन सी ब्रांड लेते हैं और कौन सी आप कार चूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक स्टार्टिंग प्राइस आपको मिल गई कि 5,000 से जो है आपके स्टार्टिंग प्राइस होती है अगर आप न्यू कार की तरफ जाते हैं। लेट्स सी, अभी हम लोग चलते हैं अनदर प्लेस जहाँ पर जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ऑप्शन जो आता है वो न्यू कार के बाद आता है यूज़ कार का, तो उस यूज़ कार को भी देखते हैं कि यूज़ कार की कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। नॉर्मली जो है यूज़ कार परचेज़ करने के लिए तो आपको रेट नॉर्मली इंटरनेट से मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के ग्रुप हैं वहाँ के वहाँ पर जो है पोस्टिंग होती है, या जो है आप OLX एक काफ़ी फेमस जो है वो पोर्टल है उसके थ्रू भी आपको जो है यूज़ कार के रेट पता कर सकते हैं। तो मगर अभी हम लोग आए एक डीलर पे और यहाँ पर पता करते हैं कि यूज़ कार की स्टार्टिंग प्राइस नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो मेंशन करा हुआ है कोरोला 2.0 XLI 2018 है, और माइलेज जो है 35,000 चली हुई, और उसकी कॉस्ट जो है वो 5,900। अगर आप किसी शोरूम या किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको जो है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ओपन मार्केट। अगर आप वेबसाइट के थ्रू चेक करते हैं
ऑनलाइन ओएलएक्स वगैरह पे चेक करते हैं तो अराउंड जो है वो 4 to 5 years ओल्ड जो है मॉडल आपको 3500-4000 से जो है वो स्टार्ट होगा और अराउंड जो है 3000-3500 के अंदर आपको एक बेस जो है वो डील मिल जाएगी। तो एवरेज अगर आप यूज़ कार लेना चाहते हैं तो उसकी आप जो है अपने माइंड के अंदर 3000-3500 या फिर आप जो है लेस देन जो है 6 to 7 years लेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 2000-3000 रियाल के दरमियान मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा और आप ओल्ड में जाते हैं लेस देन 10 years जाते हैं तो विद इन आपको जो है 1500-1000 के इन बिटवीन आपको रेंज मिल जाती है। बास कार यहाँ पर आपको जो है 500-400 रियाल की भी मिल जाती है मगर फिर उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं कार में। तो इसी तरीके से ऑप्शन ये है अगर आप यूज़ कार लेना चाहते हैं एक नॉर्मल कार की यूज़ कार में आपको कॉस्ट जो मिलेगी वो तकरीबन 2000+ अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको एक डील मिल जाती है और जो ऑलमोस्ट जाती है 3500 तक। ये सारी जो है प्राइसिंग सेडान की है। और अगर आप फोर व्हील में जाते हैं तो फोर व्हील का ऑप्शन में आपको जो है वो स्टार्टिंग प्राइस अगर आप न्यू में जाते हैं तो वो उसकी जो कॉस्ट जो है वो 13000 to up to 20000 तक जाता है मगर अगर आप यूज़ में जाते हैं तो वो 5000 to 6000 के इन बिटवीन जो है आपको अच्छी डील मिल जाती है फोर व्हील के अंदर। तो ये भी वेरी करता है कि आप किस ब्रांड में जा रहे हैं और कौन सी आप जो है वो कार सिलेक्ट करते हैं। अभी जो है हमारी कार के अंदर 2-3 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम लोग वादी कबीर जाते हैं वहाँ पर जो है इसकी रिपेयरिंग है कितनी कॉस्ट आती है। यहाँ पर जो है नॉर्मली जो है रिपेयरिंग वगैरह की कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है। थोड़े दिन पहले मैं इस गाड़ी की सर्विस करवाने गया था तो मैकेनिक ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आपकी कार के जो है वो बुशेज साउंड कर रहे हैं तो अभी मैं चलता हूँ वादी कबीर और वहाँ पर चल के जो है कार के जो है बुशेज वगैरह अपने चेंज करवाते हैं। लेट्स सी अभी हम लोग चलते हैं अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए। और अभी हम लोगों ने जो है दोनों कार का कंपैरिजन कर लिया अगर आप जो है न्यू कार लेते हैं तो कितनी प्राइस आती है और अगर आप यूज कार की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिस तरीके से मैंने पहले डिस्कस किया कि हमें कार के अंदर कुछ रिपेयरिंग करवानी है तो वादी कबीर वहाँ पर जो है कार वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह आप करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए वादी कबीर। वादी कबीर सनैया कहलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया को सनैया कहते हैं। यहाँ से जो है सारी ऑटोमोबाइल्स की शॉप शुरू हो जाती है। हर तरीके से यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी का काम वगैरह करवा सकते हैं। अभी हमारे गाड़ी के जो दो मेजर काम थे एक था बुश की रबड़ भी चेंज करानी थी, सेकंड जो है ब्रेक पैड चेंज करवाने थे और सिर्फ उसकी जो लेबर चार्जेस वो बता रहे हैं लेबर चार्जेस बुशेस वगैरह को चेंज करने के लेबर चार्जेस जो है वो 70 रियाल मांग रहे हैं। जब भी आप गाड़ी वगैरह का कोई भी काम करवाएं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 2-3 से पता करें। तो अभी हमने एक से पता कर लिया, अभी हम चलते हैं अनदर किसी और से भी पता करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी लेते हैं। इंजन कौन सा इंजन? 2008 का करोला। कितने का पड़ेगा? लेके जाएंगे फिट करना? नहीं, फिट के साथ। फिटिंग के साथ वो 200 रियाल का है। 200 रियाल का? और अगर लेके बाहर से करवाएंगे तो पुराना इंजन देंगे तो 180 में आ जाएगा। 180 में कुछ वारंटी वारंटी है? वारंटी गारंटी मिलेगा, एक महीने का गारंटी मिलेगा, हरारा साउंड तूफान सब का मिलेगा इंशाल्लाह। तो अभी हमने जो है वो सारा सामान इसका आ गया है, ब्रेक पैड बुशेस और जो है स्टेयरिंग रबड़ है वो टोटल 40 रियाल में आया है। अभी हम लोग काम करवाने आए थे बुशेस का। जब भी ऐसी होता है काम करवाया जाए कुछ भी तो फिर उसमें जो है ना कुछ काम निकलता ही रहता है और कुछ ऐसा भी ही हुआ हमारे साथ। ऑलमोस्ट जो है हम लोग शाम में आए थे और यहाँ पर जो है अभी रात हो गई है। नॉर्मली यहाँ पर जो है वो शॉप्स की टाइमिंग तकरीबन 10 बजे तक रात की जो है वो ओपन रहती हैं क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग दिन में जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है 1 to 4 के इन बिटवीन शॉप ज़्यादातर बंद होती हैं और फिर जो है आफ्टर 4 जब स्टार्ट होती हैं तो रात के 10 बजे जो है वो क्लोज़ होती हैं। इन बिटवीन जो है हमें जो है कंपलसरी जो है वो टी और जो है शोरमा दिया था इन्होंने, तो अभी हम लोगों ने वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है रात के 8 बजने वाले हैं। तो इसी तरीके से होता है काम के अंदर, जब भी आप कोई काम करवाने आते हैं आते किसी और पर्पज़ से और जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मजीद जो है काम निकलता रहता है। तो यही कुछ अभी हमारे साथ भी हुआ है। एट द एंड जो है अभी हम लोग गाड़ी के तमाम काम से जो है फारिग हो गए हैं और अभी बजने वाले रात के 10, 4 to 5 hours हम लोगों को लग गए। तो इसकी पूरी डिटेल जो है अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग गए थे बुशेस का काम करवाने के लिए तो पहले हमने एक शॉप से पूछा तो उसने जो है 70 रियाल जो है अपने लेबर चार्जेस बताए थे। तो फिर हम जो है नेक्स्ट एक अनदर शॉप के ऊपर गए, उसने तो भाई उससे भी ज़्यादा कमाल कर दिया, उसने जो है उसके 120 रियाल जो है वो सिर्फ लेबर चार्जेस बताए। जब भी कोई काम करवाने जाएँ बेस्ट यही है कि आप जो है 2-3
शॉप के ऊपर जाके पहले पता कर लें। नेक्स्ट फिर हम जिस शॉप के ऊपर गए उसने काफ़ी रिजनेबल प्राइस बताया, 40 रियाल जो उसने बुश चेंज करने का बताया। फिर उसके साथ जो है ब्रेक पैड अगर आप दो चेंज करवाते हैं तो 5 रियाल चार्ज किए जाते हैं फ्रंट के, और अगर आप बैक के भी करवाते हैं कंबाइंड जो है वो 6 रियाल लेते हैं चारों ब्रेक पैड चेंज करने के। एंड में आपको समराइज कर दूँ, बुशेस और जो है ब्रेक पैड चेंज करने के जो है उसने अपनी लेबर चार्जेस 40 रियाल चार्ज करे, और बुश जो है वो 30 रियाल के आए थे और ब्रेक पैड जो है 10 रियाल के आए थे टोटल। तो इस तरीके से 40 रियाल का जो है आपका सामान आया और 40 रियाल जो है लेबर चार्जेस आई, तो इस तरीके से 80 रियाल इसकी कॉस्ट आई थी। मगर जब उसने काम स्टार्ट करना शुरू करा तो उसके इन बिटवीन जो है उसने कुछ और चीज़ें डायग्नोस करना शुरू कर दी। एक साइड का उसने बोला एक्सिल जो है वो भी जो है ब्रेक हुआ हुआ, तो एक्सिल के अंदर काम बताया। फिर नेक्स्ट उसने बोला कि आपके जो जंप होते हैं जंप को भी चेंज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट जो है 85 रियाल का जो है वो इक्विपमेंट आया, सामान आया, और लेबर चार्जेस फिर उसने ऑल टुगेदर उसने चार्ज किया 70 रियाल। ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर जो है 160 रियाल का एक्सपेंस आया है अगर आप ये सारे काम करवाते हैं। आई होप सो ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रही होगी, सभी लोगों के लिए जो स्पेशली ओमान में आ रहे हैं या ओमान में मौजूद हैं। एटलीस्ट इस वीडियो से उनको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह का काम करवाते हैं तो किस काम के जो है कितने चार्ज किए जाते हैं, और जो मैकेनिक है या उनका प्रोफेशनल इससे रिलेटेड है तो उनको भी ये आइडिया हो जाएगा ओमान में जो है इस तरह के कामों के क्या चार्ज किए जाते हैं, और अगर वो अपनी कंट्री में मौजूद हैं तो उससे कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पर चार्जेस कितने हैं और अपनी कंट्री में चार्जेस इसके कितने हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। फ्रॉम ओमान। ये भी खराब है, खराब है पूरा या सिर्फ ये? ये, 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 ये आपका कितना होगा और ये कितने का आएगा? आप अच्छा पूरा स्टार्ट मिलेगा। आप अपने काम को बताओ कितना आपका? मेरे काम दो खलल का फिटिंग का 70 रियाल दिया जाएगा। 70 रियाल? हाँ।